भिलाई के मरोदा स्टेशन के पास बोरी में बंद महिला की लाश मिलने सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक माने तो उसके सिर व शरीर पर चोट के निशान हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसे मारकर सुलभ शौचालय के गटर में फेंक दिया होगा। बहरहाल निवई पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना अंतर्गत ग्राम कटगी जोक नदी के बीचों बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के दो छात्र से बीती रात अज्ञात लोगों ने मारपीट कर मोबाइल व सोने की चैन लूट ली है। मामले में स्मृति नगर चौकी ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अंबिकापुर के एक युवक को लेंसकार्ट फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपए की ठगी की थी, जिसमें पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीजापुर जिले की कोतवाली पुलिस ने घर के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बिलाईगढ़ जिले के भटगांव थाना क्षेत्र के धोबनी डीह में अज्ञात वाहन ने 12 गायों को रौंद दिया है, जिससे 9 गायों की मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव के सरपंच ने घटना की जानकारी भटगांव पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में ले लिया है। पंडरी थाना क्षेत्र के सड्डू के एक घर में काम करने वाला नौकर ने घर में ही रखी शोल्ड मोटरसाइकिल चोरी कर भाग निकला। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धरसीवा थाना क्षेत्र स्थित नंपा स्टील फैक्ट्री में चोरी करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए लोहे की टंकी, एक हाईवा वाहन और एक ट्रेलर को जब्त किया है। राजधानी रायपुर में शासकीय भूमि को खुद की जमीन बताकर बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला आरोपी रफी अहमद के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर खंबाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नगोई बछेरा में एक बोरवेल वाहन ने 2.5 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया।